नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह आज आप लोग के लिए एक 30 फीट बाई 40 फीट में बना हुआ घर का नक्शा दिखाने वाला हूं, जिसमें आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, सीढ़ी, स्टोर रूम और इसके साथ साथ पूजा रूम भी देखने को मिलेगा। मतलब मात्र 1200 स्क्वायर फीट में एक कम्प्लीट घर बनाना चाहते हो तो आप इस नक्शा को देखिए, बहुत ज़्यादा आइडिया आप अपने बनने वाले घर के लिए ले सकते हो। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए आज का नक्शा को देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे इस बनने वाले घर के फ्रंट व्यू का। तो आपको 30 फीट का यहाँ पे फ्रंट व्यू देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सामने की तरफ से मेन इंट्रेंस, जबकि दोनों तरफ से आपको विंडो देखने को मिलता है। अगर आप इस दोनों विंडो और इस मेन डोर को अच्छे तरीके से बनाते हो तो आपको एक सुंदर सा फ्रंट एलिवेशन इस घर के लिए मिल सकता है। यहाँ से इस घर का मेन इंट्रेंस है, जैसे ही आप घर में इंटर करते हो तो आपको मिल जाता है गली। गली के दोनों तरफ आपको एक एक बेडरूम देखने को मिलता है। आइए इसका साइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इस दोनों बेडरूम का साइज़ मैंने सेम रखा हुआ है, 11 फीट बाई 11 फीट। ये जो बेडरूम है इसका साइज भी मैंने 11 फीट बाई 11 फीट का रखा हुआ है। साथ में साइड में भी आप विंडो देख सकते हो, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपको डबल डबल विंडो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और थोड़ा आगे बढ़ते हो तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए डाइनिंग एरिया, उसके साथ साथ हॉल, जिसका साइज़ मैंने 17 फीट बाई 8 फीट रखा हुआ है। इसके लिए भी यहाँ पे मैंने विंडो डिज़ाइन किया हुआ है। इसके जस्ट अपोजिट आप देखते हो तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी। आप देख सकते हो कि क्लॉक वाइज इसे मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ से आप सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट करते हो, फिर आपको लैंडिंग मिलेगा, फिर सेकेंड फ्लाइट के जरिए आप छत पर पहुँच जाते हो। उसके साथ साथ आप थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो आपको मिल जाता है इस साइड में इस घर के लिए टॉयलेट, बाथरूम, इसके साथ साथ इसका जस्ट अपोजिट मिल जाता है आपको किचन। टॉयलेट की बात कर लिया जाए तो 11 फीट बाई 6 फीट का रखा गया है इसका साइज, और ये जो किचन है उसका साइज 11 फीट बाई 6 फीट का ही रखा गया है। एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म इसके लिए मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी मैंने एक विंडो प्रोवाइड किया हुआ है और टॉयलेट और बाथरूम के लिए वेंटिलेशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। कॉलम के बारे में भी बताऊंगा, स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका दूंगा, बस आप देखते जाइए। यहाँ से और आगे जाते हो तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए पूजा रूम। अगर आप चाहो तो इसे स्टोर रूम भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस खाली जगह को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। उसके साथ साथ इसका साइज़ का बात कर लिया जाए तो 5 फीट 6 इंच बाई 8 फीट 5 इंच का इसका साइज़ को रखा गया है। यहाँ पर आपको 2 बेडरूम और देखने को मिलता है, जिसका साइज़ मैंने सेम रखा हुआ है 11 फीट बाई 12 फीट, और ये जो बेडरूम है इसका साइज भी 11 फीट बाई 12 फीट का बेडरूम यहाँ पे देखने को मिलता है। पूजा रूम में भी मैंने एक विंडो प्रोवाइड किया हुआ है, जबकि दोनों रूम में देखते हो आप कॉर्नर का दोनों रूम में, तो आपको डबल डबल विंडो देखने को मिलेगा। बात कर लिया जाए कॉलम का, तो देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल 16 कॉलम के साथ मैंने इसे डिज़ाइन किया हुआ है। मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये जो बाहरी जो आप दीवार देख रहे हो, इससे मैंने 10 इंची के साथ डिज़ाइन किया हुआ है, और जो पार्टीशन वाला है ये देखिए, जो इनर वाला है, इससे मैंने 5 इंची के साथ डिज़ाइन किया हुआ है। अंदर का दीवार 5 इंची और बाहर का जो दीवार है वो 10 इंची के साथ मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। मात्र 40 फीट बाई 30 फीट में आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, सीढ़ी, पूजा रूम और स्टोर रूम भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस साइज़ के आसपास का साइज़ में घर बनाने वाले हो तो इस मॉडल से आप अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ले सकते हो। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप प्लान का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।